नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले में फूड अधिकारियों की मनमानी को लेकर खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तनवे के प्रतिनिधि श्री मुकेश तनवे ने मोर्चा खोल दिया है और फूड अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसको लेकर मुकेश तनवे जी ने फूड अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हमारे साथ श्री तनवे जी मौजूद हैं और साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री हरीश कोटवाली जी मौजूद, राजेश यादव जी मौजूद हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी और जनता को कोई अधिकारी परेशान करेगा तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। तो पूरे मामले पर बात करते हैं श्री तनवे जी से, कोटवाली जी से और राजेश यादव जी से। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आपने जो बताया, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पवन भाई है जी। पवन भाई पटेल जी। इनकी कचौरी की दुकान बड़ी फेमस है जी। और बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं जी। और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। अपने गरीबी से निकले और बड़ी मेहनत करता है परिवार, और खुद ही परिवार बनाता है, और लोगों के बीच में उनके व्यवहार है, संबंध है, उनकी दुकान अच्छी चलती है जी। कल मुझे उनका फोन आया कि भैया मेरे यहाँ ये फ्रूट के अधिकारी आए हैं और मुझे सैंपलिंग के नाम पे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि मैं सारी चीजों का ध्यान रखता हूँ। आज से नहीं, मेरी बहुत पहले से ये कचौरी की दुकान चल रही है। मुझे भी लगता है कि गाँव के लोग आए, शहर के लोग आए, अपने छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़े। जब मैंने मोबाइल पे बात की अधिकारी से तो मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, और फोन रखते ही बोले कि तुमको विधायक को फोन लगाना हो, मुख्यमंत्री को फोन लगाना हो तो लगा लो, मैं मेरी जो मर्जी में आएगा वही करूंगा। मैंने सारे काम छोड़े, वही मौके पर पहुंचा और मैंने कहा कि गलत यदि है तो मैं भी तुम्हारे साथ सैंपलिंग करवाऊंगा। भोपाल में यदि लेबोरेटरी में जाँच होती है तो वहां करवाऊंगा, पर यदि अनावश्यक रूप से हमारे क्षेत्र में लोगों को परेशान किया गया, सैंपल के नाम पे डराया धमकाया गया, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे क्षेत्र के छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, हम शासन और के नियम और कानून का पालन करेंगे, पर कोई भी अधिकारी अनावश्यक रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं करे, और यदि परेशान करेंगे तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कोटवाले जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये विषय पे जैसा हमारे वरिष्ठ नेता मेरे साथी उन्होंने जो बताया, वास्तव में खंडवा के छोटे छोटे और बड़े व्यापारी भी इस चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, क्योंकि जो अधिकारी है वो सैंपलिंग के नाम पर लोगों को चमकाना धमकाना ये एक धंधा बन गया है। लेकिन हमारा आग्रह है, यदि वो गलत है तो गलत के साथ हम नहीं देंगे, लेकिन गलत नहीं है और अनावश्यक रूप से उनको परेशान किया जाएगा तो हम उसका विरोध करें। ठीक है, राजेश भाई कुछ बोलेंगे? एक दो लाइन। देखिए, खंडवा शहर में छोटे छोटे जो किसान हैं, अब अगर वो अपना किसानी छोड़ के व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका धंधा अच्छा पानी चल रहा है, तो इस प्रकार के किसी अधिकारियों द्वारा अगर उनको ऐसा डरा धमका के किसी प्रकार की वसूली की जाती है तो ये हम सहन नहीं करेंगे, और इसका पुरजोर विरोध हम मुकेश भाई के साथ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में। शहर के छोटे किसान अगर किसी धंधे से लग रहे हैं तो उनको इस प्रकार प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, और इसका विरोध करेंगे और ऊपर तक शिकायत करने में हम सभी लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।